क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। टीम इंडिया ने लंबे समय बाद ऐसा खेल दिखाया है कि लगातार दो मैच हार गए और दूसरे मैच की हार तो बेहद खराब थी। ऐसे में पहले दो मैचों में लगातार कई खिलाड़ियों को मौका दिया गया लेकिन वो मौके को भुनाने में नाकाम रहे। अब ऐसे में तीसरे वनडे मैच में टीम इंडिया में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और इसका ऐलान या कहें कि इशारा खुद कप्तान विराट कोहली ने किया है मैच के बाद, जिसमें ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक पूरी टीम ही बदल जाएगी। तो आपको बताते हैं तीसरे वनडे में क्या होने वाली है भारत की टीम, आप भी इस टीम को लेकर कमेंट जरूर करें। तो दूसरे मैच की हार के बाद विराट कोहली ने साफ साफ इशारा दिया है कि वो तीसरे वनडे मैच की टीम में भारी भरकम बदलाव करने वाले हैं। अब सीरीज का फैसला हो चुका है और इसलिए विराट अब बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। तो टीम में इस बार रोहित शर्मा और शिखर धवन नहीं थे, ऐसे में नए खिलाड़ियों के पास जमने का बड़ा मौका था। लेकिन मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ दोनों ही बतौर ओपनर फेल हो गए, तो ऐसे में यहां ओपनिंग जोड़ी में ही आमूल चूल बदलाव किया जा रहा है। मयंक और पृथ्वी दोनों को ही बाहर किया जा रहा है जबकि केएल राहुल की बतौर ओपनर वापसी हो रही है और वहीं राहुल के जोड़ीदार होंगे ऋषभ पंत। जी हां, ऋषभ पंत को यहां पर ओपनिंग कराई जा रही है जो कि पावर प्ले में कमाल कर सकते हैं और पंत ही यहां पर विकेट कीपिंग भी करेंगे। ऋषभ पंत के पास अपना जलवा दिखाने का ये बड़ा मौका होगा। तीसरे नंबर पर विराट कोहली तो चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर खेलने आएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन पांचवें नंबर पर एक बार फिर से बदलाव किया गया है। टीम में शामिल किए गए मनीष पांडे को पांचवें नंबर पर रखा जाना तय है, इसके बाद छठे नंबर पर भी बदलाव होना तय है। फाइनली केदार जाधव को टीम से बाहर किया जाएगा और केदार की जगह पर शिवम दुबे को खेलने का मौका मिलेगा और दुबे छठे नंबर पर खेलने आएंगे। वहीं सातवें नंबर पर रविंद्र जडेजा ही खेलते हुए नजर आएंगे। और अब गेंदबाजों की बात करते हैं तो यहां तेज गेंदबाजी में नवदीप सैनी और शार्दुल ठाकुर टीम में बने हुए हैं जबकि जसप्रीत बुमराह को यहां तीसरे वनडे मैच में आराम दिया जा रहा है और बुमराह की जगह पर शमी की टीम में वापसी होगी। तो वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में एक बार फिर से युजवेंद्र चहल को ही रखा गया है। तो कुल मिलाकर टीम में चार बदलाव होने की पूरी संभावना है जो बेहद जरूरी भी दिख रहे हैं। तो आपका इस टीम और इस टीम के कॉम्बिनेशन पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।